अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने मेड्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इन वर्टिब्रेट के सेंसरी रिसेप्टर्स को और उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। और इसके अलावा मैंने आपको एक छोटा सा टास्क भी दिया था कि आपने डायग्राम्स ड्रॉ करने के बाद पिक्चर्स जो है वो शेयर करनी है। तो उसमें से मुझे कुछ बच्चों का रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिला है। तो आप कोशिश किया करें कि आपका जो आपको होमवर्क मिल रहा है आप उसको साथ साथ कंप्लीट किया करें ताकि आप पे बर्डन ना हो बाद में। चलिए जी, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन के। वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि हमें पता है कि 5 तरह की डिफरेंट सेंसेस पाई जाती हैं, जिसमें टच है, हेयरिंग है, साइट है, स्मेल है और टेस्ट है। इन 5 सेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो टॉपिक है लेटर लाइन सिस्टम का, कि कुछ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है। अब ये लेटर लाइन सिस्टम बेसिकली क्या है और क्या फंक्शन इसका होता है, पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम फिश की बॉडी को एक्सटर्नली भी देखें तो यहाँ पर मिड में बिल्कुल एक लाइन प्रेजेंट होती है फिश के अंदर, उस लाइन को हम लेटरल लाइन कहेंगे। अब वो लाइन क्यों प्रेजेंट होती है या उसका क्या फंक्शन होता है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। लेटरल लाइन जो है ये फिश के अंदर 2 तरह से काम करती है, यानी कि 2 फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर सकती है। एक तो ये कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है, दूसरा ये कि ये मकैनो रिसेप्शन में भी हेल्प करती है। पहले हम देखते हैं कि लेटरल लाइन सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के साथ क्या रिलेशन है। मोस्टली जो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन वीकर फील्ड्स को जो है वो फिश की बॉडी में ये एबिलिटी है कि वो उनको सेंस कर सकती है, उनको डिटेक्ट कर सकती है। और ये डिटेक्शन में जो हेल्प उसका सिस्टम करता है वो लेटरल लाइन सिस्टम है। अब लेटरल लाइन सिस्टम का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिसीव कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई फिश के पास प्रिडेटर आ जाता है, कोई उस पर अटैक करने के लिए प्रिडेटर आ जाता है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनको वो एज आ फूड यूज़ करती है, तो उन ऑर्गेनिज़म से या उन प्रिडेटर से उनकी बॉडी से जो फील्ड्स जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उनको ये फिश की बॉडी डिटेक्ट कर सकती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और अपना फूड भी जो है वो कंज्यूम कर सकती है। अब इसे कैसे पता चलेगा कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो कुछ ना कुछ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है कि फिश की एपिडर्मिस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स जो हैं ये फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको हम कैनाल कहेंगे। ये कैनाल आगे जो है ये एंड होती है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कहेंगे एम्प्यूला। एम्प्यूला के इर्द गिर्द क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स आगे फर्दर सेंसरी न्यूरॉन्स इनके साथ अटैच होते हैं और मैसेज जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से कन्वे करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो वो यहाँ से पास करती हुई इधर एम्प्यूला के पास आएगी और फर्दर जो है ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स उनको रिसीव करके आगे ब्रेन की तरफ मैसेज कन्वे कर देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ चुकी हैं, और इस तरह से फिश उनको डिटेक्ट कर लेगी। और जो स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने में वो एम्प्यूलरी ऑर्गन होता है, उसको हम एम्प्यूलरी ऑर्गन बोलते हैं। तो इस तरह से फिश में जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो वर्क करता है इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में हेल्प करने के लिए। सेकंड जो लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन है वो है मकैनो रिसेप्शन, कि अगर कोई मकैनिकल प्रेशर आ गया है वाटर की मूवमेंट की वजह से फिश की बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या कोई जो है वो मकैनिकल चेंज आ गया है, तो ये फिश में ये एबिलिटी होती है और एम्फीबियंस में भी ये एबिलिटी होती है कि ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको जो डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं जो सेल्स, उनको हम कहते हैं न्यूरोमास्ट सेल्स। अब जो है ये न्यूरोमास्ट सेल्स क्या करेंगे, ये मकैनो रिसेप्शन को रिसीव करेंगे फिश की और एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर। ये न्यूरोमास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
इसमें होता क्या है कि जब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कोई फोर्स इस पे अप्लाई हुई वाटर की मूवमेंट की वजह से या वाटर का प्रेशर जो है अगर इस पे अप्लाई होता है तो इनके अंदर जो सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और वो जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये स्टिल कंडीशन में इस तरह से होते हैं, जब कोई प्रेशर आता है तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो सेंसरी सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो है इस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और फिर ये मैसेज जो है फर्दर आगे कन्वे करते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन्स को, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं आगे मैसेज लेकर जाते हैं नर्वस सिस्टम तक। तो इस तरह से ये प्रेशर को या मकैनो रिसेप्शन को भी रिसीव कर सकते हैं, जो इसकी लेटरल लाइन सिस्टम है फिश की, और एम्फीबियंस के अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये तो दो काम थे लेटरल लाइन सिस्टम के, एक तो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग करना और दूसरा मकैनो रिसेप्शन को सेंस करना। नेक्स्ट है हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर एंड वाटर, और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इनमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कोशिश किया करें कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें क्योंकि इसका बेनिफिट एंड पे आपको ही होगा। तो आगे जो है वो हेरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर एंड वाटर। हेरिंग जो है, हेरिंग का प्रोसेस दैट इज़ रिलेटेड टू ईयर। अब ईयर के जो हैं ये दो फंक्शन होते हैं, एक तो हेरिंग और दूसरा जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम या पोस्चर को ये किस तरह से मेंटेन करेगा इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे टॉपिक के अंदर। और नेक्स्ट जो एयर और वाटर के, इसको हम जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में भी देखेंगे और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखेंगे। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस आती गई, उनकी जो है वो बॉडी के सिस्टम्स जो हैं उन्होंने अपने आप को डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर वो जो साउंड वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं वाटर के अंदर, लेकिन अगर जब हम लैंड की बात करें या एयर की बात करें तो साउंड वेव्स जो हैं वो उनकी स्पीड एयर में कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। कि वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा साउंड वेव्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती हैं उनकी हेयरिंग सिस्टम के ऊपर एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म जो के लैंड के ऊपर रहते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते थे उनके अंदर क्या हुआ कि फिर एक अडॉप्टेशन आई जो थी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अपियर होना, कि ऑर्गेनिज्म जो हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स थे उनमें सबसे पहले जो एम्फीबियंस थे उनके अंदर एक मेम्ब्रेन अपियर हुई जो थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम। ये टिम्पैनम जो है ये क्या करती है कि इसके ऊपर जब साउंड वेव्स जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं तो फर्दर आगे हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एम्फीबियन के इनर ईयर का स्ट्रक्चर, कि क्या किस तरह से जो है ये फ्रॉग जो है उसका हेयरिंग का सिस्टम वर्क कर। एनुरॉन ईयर का मतलब है यहाँ पे कि हम फ्रॉग के ईयर को डिस्कस कर रहे हैं या एम्फीबियन के जनरल जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं ईयर के, किस तरह से उनकी हेयरिंग का सिस्टम डिवेलप हुआ। अब इसमें होता क्या है कि फ्रॉग के अंदर एबिलिटी होती है कि वो दो तरह की साउंड्स को सेंस कर सकता है, एक तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स को और दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को। अब ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड को कब सेंस करेगा या हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को कब सेंस करेगा, इसके जो है जब फ्रॉग्स जो हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के दौरान या मेटिंग बिहेवियर के दौरान जो है वो क्या करते हैं, लाउड कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं या उसकी साउंड जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन जो है कभी कभी वो उनके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये मोस्टली तब करते हैं कि जब कोई प्रिडेटर आ जाता है, कोई इन पे अटैक कर देता है तो ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये उसको सेंस कैसे करते हैं, उसको रिसीव कैसे करते हैं, इसके लिए उनके ईयर के अंदर दो पाथवेज होते हैं, एक तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए और दूसरा लो फ्रिक्वेंसी के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो पाथवे है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, टिम्पैनम के ऊपर साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं और उसके बाद जो है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है क्लोमेला,
क्लोमेला के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्लोमेला का जो ऑपोजिट एंड है वो अटैच होता है ओवल विंडो के साथ। यहाँ पे देखें ये ओवल विंडो के साथ जो है ये क्लोमेला का एक एंड अटैच है। और फिर नेक्स्ट जो है ये ओवल विंडो के बाद जो मैसेज जो है साउंड वेव्स जो हैं ये आगे शिफ्ट हो जाती हैं सेंसर्स के पास। कि दो तरह के सेंसर्स होते हैं, एक लो फ्रिक्वेंसी और एक हाई फ्रिक्वेंसी। जब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड आती है तो ये यहाँ से पास करती हुई, इस तरह ये एरो देखें यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है ये इस पाथवे पे मूव करेगी कि पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, फिर क्लोमेला, क्लोमेला से आगे ओवल विंडो और फिर जो है उस सेंसर के पास जो कि हाई फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है कि जब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है, ये साउंड वेव्स बेसिकली इस फ्लूइड के अंदर जो है ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं जो आगे फिर पास होती हैं इस सेंसर के ऊपर। और अगर हम लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड अगर आ गई है तो वो पास करती है पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, टिम्पैनम के ऊपर, उसके बाद क्लोमेला पे, और क्लोमेला के साथ जो है यहाँ पे ओवल विंडो के साइड पे एक ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है तो वो ऑपरक्यूलम के पास पहले जाएगी और फिर उसके बाद जो है उस सेंसर के पास जो कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए है। तो इस तरह से ये दो पाथवेज होते हैं फ्रॉग के ईयर के अंदर, एक तो हाई फ्रिक्वेंसी वाला और एक लो फ्रिक्वेंसी वाला। जो हाई फ्रिक्वेंसी या हाई वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, उनकी फ्रिक्वेंसी मोस्टली जो है वो 1000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, जबकि जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ से कम होती है। ऑलमोस्ट 100 to 1000 हर्ट्ज़ जो है ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं जिसको फ्रॉग सेंस कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और 500 से 1000 हर्ट्ज़ तक जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं जिनको फ्रॉग का हेयरिंग सिस्टम जो है वो सेंस कर सकता है, रिसीव कर सकता है। और फ्रॉग के अंदर जो है वो मिडल ईयर और इनर ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर बाहर फ्रॉग की सरफेस के ऊपर देखें तो वहाँ पे ईयर की तरह का कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि उसमें मिडल ईयर और इनर ईयर जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्रॉग है इसके अंदर दो तरह से इसकी हेयरिंग का सिस्टम वर्क करता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को भी रिसीव करता है और लो फ्रिक्वेंसी साउंड को भी रिसीव करता है, जिसके लिए सेपरेट सेपरेट पाथवेज होते हैं और सेपरेट सेंसर्स इसके ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट जो है वो स्नेक की बात करें तो स्नेक के अंदर क्या होता है, उसका इनर ईयर बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह ये फ्रॉग का है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये मिडल ईयर जो है वो उसमें टिम्पैनम प्रेजेंट नहीं होती और मिडल ईयर का पोर्शन भी प्रेजेंट नहीं होता स्नेक के अंदर। लेकिन कुछ रिप्टाइल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ये मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्नेक का जॉ जो है वो डायरेक्टली आगे अटैच होता है स्टेप्स के साथ या क्लोमेला के साथ, और फिर जो है वो उसका हेयरिंग का प्रोसेस जो है आगे फर्दर इनर ईयर में शिफ्ट हो जाता है कि उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसका जो उसकी जो जॉ की बोन होगी वो डायरेक्टली इस क्लोमेला के साथ अटैच होगी और इस तरह से उसके अंदर यहाँ तक जो है वो हेयरिंग का सिस्टम होगा, मिडल ईयर का पोर्शन स्नेक में एब्सेंट होगा। लेकिन कुछ रिप्टाइल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मिडल ईयर भी होता है और इनर ईयर भी होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एम्फीबियंस के अंदर होता है। और अगर हम नेक्स्ट बर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेल डिवेलप्ड सिस्टम है हेयरिंग का वो बर्ड्स के अंदर होता है, और बर्ड्स का जो हेयरिंग का सिस्टम है वो बिल्कुल सिमिलर होता है मैमल्स के हेयरिंग सिस्टम की तरह। कि जिस तरह मैमल्स के अंदर जो है वो वेल डिवेलप्ड ईयर प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के अंदर भी उसी तरह वेल डिवेलप्ड हेयरिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो जस्ट पोर की फॉर्म में होती है, एक होल की फॉर्म में होती है जो कि उसके फीदर्स को फीदर्स जिसको कवर कर देते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल मैमल्स के अंदर ह्यूमन के ईयर की आती है कि जो ह्यूमन का ईयर है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर, जिसमें एक्सटर्नल भी क्लियरली विजिबल होता है और आगे मिडल ईयर और इनर ईयर भी
बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं साउंड को रिसीव करने के लिए। लेकिन बर्ड्स में जो है ये जस्ट एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है ये फीदर्स के अंदर कवर हुई हुई होती है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है सिमिलर होता है ह्यूमन के ईयर की तरह। अब जो ह्यूमन का ईयर है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो हेयरिंग और दूसरा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, कि सुनने से रिलेटेड एक इसका फंक्शन है और दूसरा बॉडी के पोस्चर को और पोजीशन को मेंटेन करना। इसके अंदर दो फंक्शनल यूनिट होते हैं, एक ऑडिटरी अपरेटस जो कि हेयरिंग से रिलेटेड होगा, हेयरिंग को कंट्रोल करेगा, और दूसरा वेस्टिब्यूलर अपरेटस। अब ये जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है इसका काम होता है पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करना या उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे देखें ह्यूमन के ईयर के तीन पार्ट्स हैं जो क्लियरली विजिबल हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर होता है ईयर का, और उसके अलावा जो है ऑडिटरी कैनाल, ये दोनों जो हैं ये आ जाते हैं आउटर ईयर के अंदर। आउटर ईयर के पार्ट्स जो हैं एक्सटर्नल ऑरिकल और दूसरा ऑडिटरी कैनाल। अब ये कैनाल जो है ये इसके अंदर क्या होता है, आगे नेक्स्ट यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से या टिम्पैनम से जो है ये मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि साउंड वेव सबसे पहले आके इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं, इसके ऊपर जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब मिडल ईयर यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये राउंड विंडो तक जो है ये मिडल ईयर का पोर्शन होता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है ये सारा इनर ईयर का पोर्शन है। अब आउटर ईयर जो है इसमें क्या होगा कि साउंड वेव्स सबसे पहले आती हैं और स्ट्राइक करती हैं इधर आउटर जो है वो ईयर के ऊपर। अब आउटर ईयर से फर्दर ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर, और इसके बाद जो सबसे पहले स्ट्राइक करेंगी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर करेंगी, इसीलिए हम इसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। अब इस ईयर ड्रम के साथ या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ तीन बोन्स अटैच होती हैं, या फिर हम इनको थ्री ऑसिकल्स भी कहते हैं। इसमें से जो सबसे पहली है वो है मैलस, जिसकी हैमर लाइक जो है वो शेप होती है, इसलिए इसको हैमर भी कहते हैं। और दूसरी जो इसमें होती है वो होती है इंकस। अब ये जो इंकस है इसकी एनविल लाइक शेप होती है, इसलिए इसको एनविल भी कहा जाता है। और यहाँ पे थर्ड जो बोन है या थर्ड जो ऑसिकल है उसको हम कहेंगे स्टेप्स। स्टेप्स की जो शेप है वो सिमिलर होती है स्टिरप की तरह। अब स्टिरप क्या होता है कि जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स के ऊपर सवारी करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है या जिस तरह का स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो ये बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्टिरप भी कहते हैं। अब ये तीन बोन्स या तीन ऑसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, जो मैलस हैं, इंकस है और स्टेप्स है, और इसको हम कह रहे हैं हैमर, एनविल और स्टिरप। अब ये तीनों जो है ये आगे क्या किसको प्रेस करेंगी, स्कल बोन को प्रेस करती हैं, और उसके बाद फर्दर जो है इनके साथ क्या अटैच होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये बेसिकली वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर आ जाते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं या पोस्चर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है कॉकलिया, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर जो जो मेजर पोर्शन है जो हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है वो यही है कॉकलिया। ये कॉकलिया फर्दर आगे क्या करेगा, ये कॉकलिया के अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो ये फर्दर आगे मैसेज ऑडिटरी नर्व को देगा, जो साउंड वेव्स की फॉर्म पे मैसेज आया, और फिर वो मैसेज जो है वो आगे ब्रेन तक ट्रेवल होगा। तो इस तरह से ये ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसमें तीन पोर्शन थे, आउटर, मिडल और इनर ईयर। फर्दर हम देखते हैं कि क्या पाथवे है जिससे साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। सबसे पहले साउंड वेव्स एंटर होती हैं आउटर ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, और फिर ट्रेवल करती हैं आगे ऑडिटरी कैनाल तक, फिर ये जब स्ट्राइक करेंगी ईयर ड्रम के ऊपर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब ये वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होगी तो ये इसके बाद ये वाइब्रेशन आगे
ट्रांसफ़र हो जाएगी तीनों बोन्स के अंदर, तीनों ऑसिकल्स के अंदर, जो कि मैलस, इंकस और स्टेप्स हैं। जब ये इन तीनों के अंदर जो है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो जब थर्ड बोन के ऊपर वाइब्रेशन आ जाएगी तो ये आगे फर्दर ओवल विंडो के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देगी। ये जो थर्ड बोन है स्टेप्स, इसके अंदर जो विंडो प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ओवल विंडो। तो ये वाइब्रेशन जो है फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगी ओवल विंडो के अंदर। अब ये जो ओवल विंडो है ये फर्दर आगे क्या करेगी, वाइब्रेशन को पास ऑन कर देगी कोक्लिया के ऊपर। जब ये स्कल बोन के साथ स्ट्राइक करेंगी तो फर्दर वाइब्रेशन जो है वो पास ऑन हो जाएंगी कोक्लिया के ऊपर। जो मेजर हेयरिंग का स्ट्रक्चर है वो यही है कोक्लिया। अब जब ये कोक्लिया के अंदर जो है वो कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब कोक्लिया वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उसके अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। और उसके अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस फ्लूइड के साथ अटैच हुए होते हैं। जब उन फ्लूइड के अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो फिर हेयर जो हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे फ्लूइड के साथ साथ। और जब हेयर्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट जो है मैसेज जनरेट होगा, और मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ऑडिटरी नर्व तक जाएगा, और फिर ये ऑडिटरी नर्व्स जो हैं ये साउंड के सिग्नल्स को लेकर आगे ब्रेन तक जाएंगी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो ट्रेवल करेंगी। और इस तरह से ये साउंड वेव्स जो हैं ये ईयर के अंदर पास ऑन होती हुई आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चली जाती हैं। तो ये तो था साउंड का पाथवे। नेक्स्ट इसमें है वेस्टिबुलर अपरेटस और इक्विलिब्रियम। इसमें मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो थी उनके अंदर जो फ्लूइड है या उनका जो फंक्शन है वो क्या है कि वो इक्विलिब्रियम को या पोस्चर को मेंटेन करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये दो तरह से जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकता है, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जब हमारा हेड जो है वो बिल्कुल अप या डाउन कंडीशन में होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में होता है, अपराइट कंडीशन में होता है, तो उस इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा डायनामिक, डायनामिक में क्या होता है कि अगर हमारे हेड में, हेड रीजन में कोई रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है या कुछ रोटेशनल या एंगुलर मूवमेंट हमारा हेड कर रहा है तो उसको जो कंट्रोल करेगा वो इसका सेकंड पोर्शन होगा। पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता यह है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्यूला। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये कंट्रोल करेंगे हेड की अप और डाउन पोजीशन को। और जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं वो हैं ओटोलिथ्स। ये ओटोलिथ्स जो हैं ये भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अगर कोई हेड के अंदर रोटेशनल मूवमेंट आ गई है, कोई एंगुलर मूवमेंट आ गई है, तो हेड को हम जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसको जो कंट्रोल करेंगे, उसको नॉर्मल अपनी पोजीशन पर लाने के लिए जो रिसेप्टर्स हेल्प करेंगे वो ओटोलिथ्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह के इक्विलिब्रियम्स जो हैं वो उनको कंट्रोल करता है वेस्टिबुलर अपरेटस, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो मैक्यूला है, कि जो बॉडी की अपराइट हेड की जो है वो अपराइट कंडीशन को रिसेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, सेंस करेंगे, वो मैक्यूला हैं। और जो रोटेशनल हेड की रोटेशनल मूवमेंट को जो रिसीव करेंगे या उसको सेंस करेंगे वो ओटोलिथ्स हैं। तो यहाँ तक जो था ये हेयरिंग का सिस्टम था ह्यूमन के अंदर, के किस तरह से ह्यूमन के अंदर जो है वो हेयरिंग और इक्विलिब्रियम वर्क करते हैं। मोस्टली जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा लो पिच जो साउंड्स हैं उनको हियर नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। 20 साइकिल पर सेकंड से नीचे जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी हो उनको उनको डिटेक्ट करने की एबिलिटी ह्यूमन के ईयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जबकि अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो उनका हेयरिंग का जो सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एडल्ट ह्यूमंस। जैसे जैसे जो है वो ह्यूमन
एडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनका जो हेयरिंग का सिस्टम है वो भी रिड्यूस होता जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम मैमल्स के अंदर बात करें कि वेल डेवलप्ड जो हेयरिंग का सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो 40,000 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये डॉग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हाई पिच्ड विसल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको ह्यूमंस जो हैं वो नहीं सुन सकते। जबकि दूसरे डॉग्स जो हैं, अगर एक डॉग प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड, तो दूसरा डॉग उसको रिसीव करेगा, उसको सुन सकता है, जबकि ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो उन साउंड्स को जो है वो सुन सकें। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया कि हेयरिंग और इक्विलिब्रियम जो है ये ह्यूमन के अंदर किस तरह से जो है वर्क करती है। नेक्स्ट हम जो है बाकी डिस्कस करेंगे हेयरिंग और इक्विलिब्रियम को वाटर के अंदर या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि उनके अंदर क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।